दोस्तों कल मैंने बताया था कि जो फर्स्ट आईफोन है वो बिका है 21 लाख में दोस्तों, मतलब ऑक्शन हुआ है। तो दोस्तों आईपॉड कैसे पीछे रहेगा 20 लाख रुपए में दोस्तों, वो भी सोल्ड हुआ है। तो इस तरह की कुछ न्यूज निकल के आ रही है, इसको खरीदने वाला व्यक्ति कौन है और कहां से आते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं, आज का वीडियो को जरूर देखिए अगर आप कपल है, और नहीं भी है तो भी देख लीजिए। आप अपने फोन का माइक का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हैं ताकि सामने वाले को एकदम जबरदस्त HD में आपका आवाज जाए। अब बात करते हैं पोल की, तो इसी से हमने रिलेटेड पोल पूछा था कि आपका माइक में प्रॉब्लम है। 71% लोगों ने कहा कि नहीं है, मतलब 77% लोग ने कहा कि नहीं है, बाकी के 23% लोगों ने कहा कि हाँ है। अगर है तो जाइए वीडियो को देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम में एक नया तरह का बग आ गया है जिससे दोस्तों आपके जो भी फॉलोअर्स हैं उनको आपका लोकेशन सेंड किया जा रहा है, मतलब सेंड हो जा रहा है, उनको पता चल जा रहा है कि आपके रहने वाले मतलब किस जगह के हैं। इस तरह की कोई न्यूज़ है, आपको जो भी लगता है ये बग कब फिक्स होगा कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं एटरिस्ट प्योर EV का दोस्तों नया बाइक जो दोस्तों इलेक्ट्रिक है। 85 किलोमीटर का दोस्तों इसमें टॉप स्पीड दिया गया है और ये दोस्तों 110 किलोमीटर पर चार्ज पे चलेगा। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है और 1.5 लाख रुपए इसकी प्राइस है। आप बाय करना चाहेंगे वैसे दोस्तों ये सिक्योर है या नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका जो बैटरी है ठीक हमारे नीचे, मतलब जहां आप बैठेंगे उसके नीचे खत्म, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब गूगल प्ले स्टोर की। वो जो है दोस्तों 2000 पर्सनल लोन वाले ऐप को दोस्तों रिमूव कर दिया गया है गूगल प्ले स्टोर से। तो अगर आप कहीं से आप लोन लिए हैं तो पैसा देने की जरूरत नहीं, पैसा हो गया, मजा आ गया, कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं आईफोन 14 की। दोस्तों ये पैसा लेता है लेकिन एक चीज इस बार बहुत ही जबरदस्त दे रहा, सैटेलाइट नेटवर्क। इसमें तीन तरह का चीज काम मतलब आएगा दोस्तों। पहला जो है आप अपना मतलब बिना सिम का बिना इंटरनेट का सैटेलाइट के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कोई भी फोटो को सेंड कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करेगा वो तो इनके लॉन्च इवेंट में पता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, तरीका है भीख मांगने का, ताकि जैसे भी कुछ पता चले हम आप तक पहुंचे। तो चलिए वक्त हो तो आपके सवाल लेने का। तो अब्दुल कासिम भाई का बहुत ही जबरदस्त सवाल है और थोड़ा इसको दिल पे मत ले लीजिएगा, बस फन के लिए बता रहे हैं, मतलब फन के लिए क्या सवाल इन्होंने पूछा है लेकिन थोड़ा फन में लीजिएगा इसको। कि इन्होंने पूछा है कि आज जो मैंने वीडियो दिया कि माइक का जो आवाज है उसको बढ़ा सकते हैं, तो इनका सवाल है कि भैया वायर्ड वाला का बारे कुछ बताइए, क्योंकि मेरी जीव जो है उनके तरफ आवाज सही से नहीं जाता है, क्या 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 करते रहती है, गजब बेइज्जती है। आपके साथ ऐसा होता है कमेंट में जरूर बताइए। आई एम सॉरी बाबू। लेकिन अब्दुल भाई आपको बोलना चाहूंगा कि हम खोज रहे हैं, जैसे ही कुछ मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। वैसे आप अभी टेम्पोररी के लिए क्या करिए कि 599 में रियलमी का बड मिल रहा है, मतलब हेडफोन मिल रहा है वायर वाला, काफ़ी ज़बरदस्त है। दो खरीदिए, एक गिफ्ट करिए, एक अपने पास रखिए और इसको यूज़ करिए। क्या क्या जो है दोस्तों नहीं होगा रातों में, तो इस तरह का कुछ अपडेट है, बाकी जैसे ही कुछ हमें पता चलेगा। तो हम वीडियो बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग की तरफ से तीन जबरदस्त खबर आ रही है। पहला जो है दोस्तों सैमसंग डुअल स्क्रीन पे काम कर रहा है, मतलब दोस्तों फोल्ड के बाद अब एक ऐसा फोन आने वाला है जिसमें डुअल स्क्रीन हमको देखने को मिलेगा फ्रंट और बैक में। दूसरा चीज है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A04 और M04, ये दो फोन इंडिया के BIS पे लिस्ट हो गया। और तीसरा चीज है दोस्तों कि सैमसंग का One UI 5.0 जो आने वाला है दोस्तों वो Android 13 बेस्ड होगा, Android 12 बेस्ड नहीं होगा। इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप सैमसंग का फोन यूज करते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं Asus Zenfone 9 की। कौन-कौन खरीदा है कमेंट में जरूर बताइए, या कोई आपके चाहने वाले या फिर आपके कोई रिलेटिव कोई खरीदे हैं जो जिसको आप जानते हैं, कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई खरीदा होगा। गजब बेइज्जती है। लेकिन एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट इसमें रिलीज कर दिया गया है, तो न्यूज आता है तो हमारा काम है आप तक पहुंचाना, आप खरीदे या नहीं खरीदे वो आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों बात करते हैं W51। ये जो मॉडल नंबर है दोस्तों ओप्पो एनको W51, ये जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। 5000 रुपए इसकी प्राइस होने वाली है और वाकई में ये वो जो सीरीज होता है काफी जबरदस्त होता है, इस बार ANC वगैरह के साथ आएगा। आपकी जो भी राय है कमेंट में अपनी राय जरूर। चलिए दोस्तों बात करते हैं मोटो की। G72, ये जो फोन है दोस्तों 8GB रैम के साथ आ रहा है, बस प्रोसेसर अगर जबरदस्त दिया जाए तो सही है, वरना दोस्तों ये फिर वही बात हो जाएगा कि क्या करना, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। G72
टू आप इसके लिए इंटरेस्टेड रखते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi की तरफ से दोस्तों बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है। 210 वाट का फास्ट चार्जिंग पे ये काम कर रहा है Xiaomi, इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, OnePlus का दोस्तों नॉर्ड वायर बड, ये मतलब दोस्तों हेडफोन जो भी कह सकते हैं, ये जो है दोस्तों 799 रुपए में लॉन्च हो गया है, काफी एग्रेसिव और जबरदस्त प्राइस है, और ये दोस्तों 1 सितंबर से आप इसे बाय कर सकते हैं अमेज़न। दोस्तों सैटरडे था, ज्यादा नहीं था, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कल आ रहा हैशटैग #AskRaza सुबह के 10 बजे, तो दोस्तों उसके लिए स्टे ट्यून करिए, और कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।